हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इंडियन एल्युमिनियम एंड कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज अ सब्सिडियरी ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप। इट्स हेड क्वार्टर्स आर एट मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। द कंपनी इज लिस्टेड इन द फोर्ब्स ग्लोबल 2000 एट 661 रैंक। इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय द एंड ऑफ नवंबर 2023 यानी कि 2023 वाज US डॉलर 15.6 बिलियन। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, इसका कामकाज किससे रिलेटेड कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी किसका है, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि NSEIndia.com पे दिख रहा होगा, बाई क्वांटिटी 925 का लगा हुआ है, 505 रुपये 5 पैसे पे NSE पर। तो निश्चित ही आज मंगलवार इस शेयर में अब ट्रेंड बनेगी। ऐसे इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेकानुसार ही। मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ नॉलेज पर्पस। इश्यूड कैपिटल जैसा कि आपको दिख रहा होगा शेयर 224,72,16,523। 26 फरवरी 2024 का है डिलीवरी पोजीशन जो कि 76,05,543 क्वांटिटी मार्केट में आया, जिसमें कि 39,81,108 क्वांटिटी डिलीवरी में उठाया गया, जिसका परसेंटेज रहा 52.34%। जैसा कि आपने देखा NSE के चार्ट पर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डिलीवरी पोजीशन, उसी तरीके से BSE के चार्ट पर भी 26 फरवरी 2024 16:00 बजे का है, क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 1,65,772, जिसमें कि डिलीवरेबल क्वांटिटी 74,779, डिलीवरी पोजीशन रहा 45.11%। थोड़ा हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर ध्यान देंगे। प्रमोटर के पास में है जून 2023 में 34.64%, जो कि स्थिर रहा दिसंबर 2023 तक 34.64%। पब्लिक के पास में 64.89%। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका मुख्य डाटा पर ध्यान देंगे। यह है screener.in पर वेबसाइट का नाम। इसका मार्केट कैप 1,13,496 करोड़ का है, स्टॉक पी 12.1 का है, ROCE 11.3% और ROE 11.7%, दोनों ही अच्छा है। बुक वैल्यू 443 रुपया, करेंट प्राइस 505 रुपया, बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर में ट्रेड कर रही है यह शेयर। 52वीं का हाई लो 621 रुपया और 381 रुपया है। डिविडेंड यील्ड 0.59% है, फेस वैल्यू 1 रुपया है। 1 ईयर का प्राइस चार्ट जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो इस शेयर में पिछले दिनों नीचे की तरफ ट्रेंड बना था, तो मेरे हिसाब से तो अभी तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो बाई करना चाहिए।
शॉर्ट टर्म में भी बाई करना चाहिए। बाकी मेरा सजेशन नहीं है कि आप इसमें बाई सेल करें। अगर बाई सेल करना हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना हो, तो अपने बुद्धि विवेक और सूझबूझ के अनुसार ही ध्यान देंगे। दिसंबर 2023 के क्वार्टरली रिजल्ट पे, जो कि आपको दिख रहा होगा, सेल्स भी लगभग लगभग ठीक है और एक्सपेंस उसी के अनुसार है। पिछले क्वार्टर की अपेक्षा, पिछले 3-4 क्वार्टर की अपेक्षा ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी बेहतर रहा। और उसी तरीके से ये सितंबर 2022 तक, पिछले उससे अधिक ही दिसंबर 2023 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जिसके वजह से अर्निंग पर शेयर भी ठीक ही है, बट पिछले क्वार्टर के अपेक्षा। तो रिजल्ट तो बेहतर ही है, लेकिन इसमें अप एंड डाउन जो प्राइस चार्ट चल रही है, तो मेरे हिसाब से फ्यूचर टाइम के लिए ये शेयर काफ़ी बेहतर है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कि शेयर में क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक अनुसार ही, सूझबूझ के अनुसार ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।